बड़ी खबर अतीक की पत्नी शाइस्ता को लेकर है, वो अभी तक फरार है। रकम बढ़ाने की अब बात की जा रही है कि 50,000 का इनाम उस पर था, हो सकता है वो 1,00,000 कर दिया जाए। यूपीएसटीएफ अब ये पता लगा रही है कि फरार अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता का साथ आखिरकार कौन दे रहा है। एसटीएफ शाइस्ता अशरफ की पत्नी जुनैद फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश दे रही है। लखनऊ में भी अतीक और असद के मददगारों का ब्यौरा खंगाला जा रहा है। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, इनामी रकम बढ़ाने से क्या मदद मिल सकेगी? जिस शाइस्ता को पूरा यूपी पुलिस का खेमा ढूंढ रहा है, वो इतने दिन से लापता है, अब क्या इनामी राशि से मदद मिलेगी? बिल्कुल नेहा, पुलिस को ऐसा लगता है कि इनामी राशि से मदद मिल सकती है, पर एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और अतीक अहमद के उस कार्यालय पर मौजूद हैं जिसे ढाया गया था 4-5 साल पहले। पर यहां पर जब हम आते हैं तो यहां पर आप अगर देखेंगी तो यहां पर कई ब्लड स्टेन्स नजर आ रहे हैं। लॉन्ग शॉट कैमरा में नीरज दिखाएंगे आपको, तो यहां पर आपको एक चाकू भी रखा नजर आएगा जिसमें कि ब्लड स्टेन्स लगे हैं। हम और करीब चलेंगे आपको, क्योंकि ये कार्यालय में कल परसों की तक यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ऐसे कोई खून के धब्बे या निशान नहीं थे, या जिस तरह से कपड़े अस्त व्यस्त पड़े हैं वैसे नहीं थे। पर आप जो आपको मैं तस्वीर यहां से दिखाऊंगा वो शायद चौंकाने वाली होगी। यहां पर तो ये लाइफ है, मैं ऊपर भी चलूंगा और लॉन्ग शॉट पर दिखाते हुए चलेंगे आपको जो ब्लड स्टेन्स हैं जो यहां पर सीढ़ियों के आसपास इर्द गिर्द भी लगे हुए हैं। ऐसा और जो जैसा कि पुलिस से हमारी बात हुई है, ऐसा लगता है कि ये ब्लड स्टेन्स काफी नए हैं, यानी कि कल परसों के, ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं लग रहा काफी पुराने, क्योंकि पहले हम लोग भी यहां रिपोर्ट करने आए थे तब इस तरह के जो ब्लड स्टेन है वो उस वक्त देखने को नहीं मिले थे, खून के धब्बे उस वक्त देखने को नहीं मिले थे। तो आज आखिर ये क्यों देखने को मिल रहा है, ऐसा क्या हो गया है 1 से 2 दिन में, वो देखने वाली बात है। ऊपर की तरफ भी मैं आऊंगा, लेकर चलूंगा जहां पर जो अस्त व्यस्तता है वो फैली हुई है और जो स्पॉट्स हैं वो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं वैसे वैसे ये स्पॉट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे तस्वीरें, यहाँ पर पूरी जमीन पर यहाँ पर स्टेन है। ये किचन का हिस्सा है, कैमरा मैन नीरज आगे आएंगे आपको दिखाएंगे तस्वीरें। इर्द गिर्द केवल और केवल स्टेन्स हैं, अंदर काफी अस्त व्यस्तता है, कपड़े जो हैं वो फैले हुए हैं। पहले मैं इस तरफ आपको लेकर चलूंगा, रूबरू कराऊंगा। आप ये तस्वीर देखिए, लॉन्ग शॉट आपको हम दिखा रहे हैं कि ये जो है काफी फ्रेश मार्क्स नजर आ रहे हैं, काफी नए लग रहे हैं, क्योंकि कल परसों तक हम लोग खुद यहाँ हमारी मौजूदगी थी। यहाँ पाइए मेरे साथ, ये कपड़े आप देखिए किस तरह से, ये दुपट्टा किसी महिला का दुपट्टा है, जो दुपट्टा है इसमें भी ब्लड मार्क्स लगे हुए हैं और ये भी अस्त व्यस्त तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है। और पुलिस की टीम भी यहाँ पर आकर पहुंची है और ये जिस तरह से यहाँ पर रखा है, ये किसी महिला का दुपट्टा यहाँ पर सफेद रंग का रखा है जिसमें कि ब्लड स्टेन्स आपको साफ नजर आएंगे। और ये सोफा अस्त व्यस्त तरीके से पड़ा है, इवन कपड़े जो हैं पीछे की तरफ आप देखेंगी तो जो कपड़े हैं इस पूरे अलमीरा से निकाले गए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी घटना को करित किया गया है और बेहद जल्दबाजी में करित किया गया और कुछ ढूंढने का भी प्रयास किया गया है। ये वो अलमारी अतीक अहमद के कार्यालय में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। आप यहाँ पर ये तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर एक पेस्ट रखा नजर आएगा, यहाँ पर काफी चीजें हैं। हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे इन चीजों से क्योंकि इस वक्त एक क्राइम सीन में ऐसा लगता है तब्दील हो गया, क्योंकि पूरी पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। एक तस्वीर इस किचन की भी है, यहाँ पर आप आइए और देखिए किचन जो है, यहाँ पर भी आपको ब्लड मार्क्स नजर आएंगे। यहाँ पर कैमरामैन नीरज दिखाएंगे आपको, शायद ज्यादा करीब जाना सही नहीं होगा क्योंकि इस वक्त एक क्राइम सीन में ऐसा लगता है तब्दील हो गया है। जिस तरह से ब्लड स्पॉट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, खून के धब्बे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, चाहे दीवार हो चाहे, और ये जिस तरह से चावल देखिए यहाँ पर फैला हुआ है, किसी ने कुछ ढूंढने का भी प्रयास किया है। यहाँ पर मैं इस तरफ जाऊंगा, ये देखिए आप, ये जो चावल है ये एक बास्केट है, इसमें चावल है, इसमें आलू पड़ा है और जिस तरह से ये पूरा फैला हुआ है यहाँ पर, यह अस्त व्यस्त तरीके से फैला हुआ है। किसी ने कुछ या तो ढूंढने का प्रयास किया है या कुछ इस तरह की कोशिश हुई है। यहाँ पर एक क्लॉक जो घड़ी है वो भी यहाँ पर रखी आपको साफ नजर आ रही है। एक बैग पड़ा हुआ है जिसपे भी ब्लड मार्क्स हैं। कुछ और खाने का भी सामान आपको यहाँ पर नजर आ रहा है साफ साफ, आपको हम दिखा रहे हैं कि तस्वीरें। इसके अलावा ये एक पर्स आपको मैं दिखाऊंगा, ये एक पर्स है, ये किसी महिला की पर्स आपको आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से हम ये दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये किसी महिला की पर्स है, ज़ारा की पर्स है। माना जाता है कि यहाँ पर शाइस्ता भी आया करती थी जब अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य था। तो ये ब्लड स्टेन से हमको भी यहाँ से बचकर निकलना पड़ रहा है क्योंकि ये पूरा एक क्राइम सीन में तब्दील हो गया है और रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के नाते हम इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये तस्वीरें हो गई किचन की, इस तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ये एक और तस्वीर आपको मैं यहाँ से दिखाऊंगा। ये देखिए इस तरह के कैप्स, ये यूजुअली ये देखिए इस तरह के कैप्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, किसी ने खोजबीन करने की कोशिश करी है। और ये चूड़ियाँ ये आप देख सकती हैं, ये छोटी सी
ये देखिए ये डिब्बी पड़ी है, इसमें चूड़ियां हैं किसी महिला की, और चूड़ियां हैं, और चूड़िया ये चूड़िया को जो है वो नीचे टूटी हुई पड़ी है। कुछ ढूंढने का तो प्रयास यहाँ पर किया ही गया है। इसके अलावा ये जो धब्बे हैं ये केवल इस पोर्शन तक है, यानी कि नीचे से जो आपको मैंने दिखाया चाकू, और चाकू से ऊपर लाया मैं किचन तक, किचन के बाद मैं लाया आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर ये तस्वीरें हैं। एक और ये भी है, एक छोर ये भी, हालांकि यहाँ पर उतने मार्क्स नहीं है, पर वहां यहाँ पर एक कार्यालय है थोड़ा, और उसका मैं दिखाऊं आपको, तो यहां से आप चलेंगे, यहां पर बताते हैं कि अतीक अहमद की मीटिंग्स होती थी, और ये वो ये कार्यालय है, ये मीटिंग्स होती थी, यहां पर पूरा कच्चा चिट्टा जैसा कि आप देख रहे हैं पड़ा है, ये सारे चुनाव की सामग्रियां जो उस वक्त अतीक अहमद इस्तेमाल करता था, ये पूरा आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड फाइल पूरी बाकायदा लिखी हुई है, और ये पूरा देखिए बलरामपुर का इसमें विवरण किया गया है, और यहां पर ये देखिए ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन 2000, ये देख सकते हैं आप, ये काफी पुराना मार्च 2014 उस वक्त अतीक अहमद सांसद था, और तब का मुशायरा और कवि सम्मेलन का ये एक पास है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तमाम शादी के कार्ड यहाँ पर बिखरे हुए हैं, और यहाँ पर आप देखिए ये पोस्टर्स जो है ये देखिए आप, निर्दलीय प्रत्याशी अतीक अहमद को चुनाव निशान, टेलीविजन के सामने वाला बटन दबाकर, ये फूलपुर लोकसभा क्षेत्र जहां से वो सांसद था वहां के तमाम इस तरह की ये चीजें पड़ी हुई हैं। तो यहां पर सपा का आप देख सकते हैं ये पोस्टर्स इस तरह के तमाम यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ये पड़े हुए हैं, और यहां पर ये पोस्टर्स लगातार मैं देख पा रहा हूँ, सपा के और बसपा के तमाम पोस्टर्स यहाँ पर चिपके भी हुए हैं और लगे भी हुए हैं। ये एक पोर्शन है, और एक पोर्शन इस तरफ भी है, इस तरफ कैमरा में नीरज जब आएंगे आपको मैं दिखाऊंगा तस्वीरें। ये देखिए तमाम फाइल्स, तमाम चुनाव की फाइल्स हैं, ये तमाम एफिडेविट्स हैं कि क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन है किसी मामले में, अतीक अहमद की बेल एप्लीकेशन यहां पर आप देख सकते हैं 2001 का इसमें जिक्र किया गया है, और ये पूरा इसमें जो है अटेस्टेड पूरी कॉपीज हैं, तमाम कॉपीज यहां पर पड़ी है, तमाम फाइल्स यहां पर पड़ी है। ऊपर से आप देखिए कितना लंबा डॉक्यूमेंट है जो ऊपर से नीचे तक आपको यहां पर नजर आ रहा है।